हे दे पोकेमोन ट्रेनर्स, दिस इज आवर अगले चार। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पोकेमोन यूनाइट्स की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 पोकेमोन जो आपको 2024 में यूज़ करने चाहिए। और मैं इन सारे पोकेमोन्स को 2023 के हिसाब से रैंकिंग करने वाला हूँ कि 2023 में इन पोकेमोन्स ने कैसा किया, कौन कौन से पोकेमोन ज़्यादा यूज़ हुए हैं, कौन कौन से पोकेमोन को अच्छा खासा बफ मिला है इस हिसाब से। तो अगर आप लोग किसी पोकेमोन को कहीं और एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से टॉप 10 लिस्ट कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले 10th पोजीशन पर मैं ब्लेसी और हुपा को रखना चाहूँगा। ब्लेसी और हुपा को इसलिए क्योंकि ब्लेसी और हुपा दोनों इस बार बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और ज़्यादा बात करूँ ब्लेसी की, तो ब्लेसी हम लोगों को बहुत अच्छा HP के साथ आती है, तो हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है एज ए सपोर्टर। और वहीं हुपा की बात करूँ तो वो अटैकर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अटैकर्स को सही टाइम पे वो मतलब HP गेन करने में हेल्प कर सकता है। और उसी के साथ वो अच्छा खासा हम लोग को सही टाइम पे टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जिससे हमें कभी रन करना हुआ या फिर कहीं अनदर लोकेशन पे टाइम पे पहुंचना हुआ तो वो हमें बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। ओके, तो 9th पोजीशन की बात करूँ तो 9th पोजीशन में एम्ब्रियन को देना चाहूँगा। पहले तो सेम रीज़न क्योंकि वो भी इस बार बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, प्लस एज ए डिफेंडर वो बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है हम लोग को। और इसी के साथ अभी तो रेजोनेंट गार्ड भी आ चुका है, तो इस सपोर्टर्स के लिए रेजोनेंट गार्ड बहुत अच्छा हेल्ड आइटम रहेगा। अभी बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो 8th पोजीशन में ब्लास्टॉइड को देना चाहूँगा। इस बार बहुत अच्छा ब्लास्टॉइड ने किया, लोगों ने यूज़ भी उसको अच्छा खासा किया। और भाई आप लोग को पता ही नहीं चलता कि कब आप लोग वाटर से ब्लास्टॉइड में इवॉल्व हो जाते हो। और इवन दो ये बहुत अच्छा डिफेंडर है क्योंकि सोलो कैरी करता है सारे मतलब टीममेट्स को। अगर अब 7th पोजीशन की बात करूँ तो 7th पोजीशन में मैंने दो स्पीडस्टर्स को रखा है। पहला तो म्यूसकाड़ा, क्योंकि म्यूसकाड़ा इस पर बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है और क्योंकि फ्री में हम लोग को मिल रही थी तो बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है। और उसके साथ सेकंड जोरो आर्क हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है टीम फाइट्स में। और एज ए स्पीडस्टर स्पीडस्टर का रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है जोरो आर्क। म्यूसकाड़ा के लिए मैं उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि म्यूसकाड़ा की यूनाइट मूव मतलब बहुत स्लो है और उसके अटैक्स मतलब है हेल्पफुल। जहाँ तक बात करूँ डबल टीम और फ्लावर ट्रिक की तो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। 6th पोजीशन पे मैंने डोड्रियो को रखा है। डोड्रियो भी इस बार बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और प्लस वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है उन लोगों को जो कि मतलब बहुत सारे पोकेमोन्स कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि मैं मतलब बहुत सारे पोकेमोन पहले ही कलेक्ट कर लेता हूँ और सिर्फ गोल पे जाता हूँ गोल करने। और कई बार होता है कि एनिमीज सीधा मेरे ऊपर कूद जाते हैं और फिर मेरे सारे बॉल्स उठा के ले चल जाते हैं। डोड्रियो के केस में वैसा नहीं है क्योंकि आप लोग अपने टोटल बॉल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करके गोल करते हैं, तो कुछ नहीं तो आधे बॉल तो गोल हो ही जाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने टॉप 5 पे। तो टॉप 5 में 5th नंबर पे आता है अपना ड्रैगापुल्ट। सबसे पहले तो मेन रीज़न उसके बफ्स हैं क्योंकि भाई इस बार के पैच नोट में उसको काफ़ी तगड़े बफ मिले हैं। पैच नोट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है तो उसमें आप लोग देख सकते हो काफ़ी तगड़े बफ मिले हैं। अगर आप लोग वाली वीडियो देखनी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और वहीं बोलूँ तो सिर्फ उसके पैच नोट और उसके बफ्स के कारण ही वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ऑटो अटैकर्स के लिए इस बार और अच्छा है क्योंकि हमारे गेम में एक नया हेल्ड आइटम भी आया है रेजोनेंट गार्ड और चार्जिंग चैम्प। तो चार्जिंग चैम्प ऑटो अटैकर्स के लिए बहुत अच्छा है और अगर आप लोग को ड्रैगापुल्ट यूज़ करना है तो चार्जिंग चैम्प के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। फिर अब आ चुके हैं हम लोग 4th नंबर पर। मैं 4th नंबर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे और सिर्फ एक लोकेशन बचा हुआ था। टॉप 3 तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था अपना। जहाँ तक 4th की बात करूँ तो 4th पे मैंने लुकारियो को रखा है। आप लोग बताओ आप लोग 4th पे किसको रखोगे? मैंने 4th नंबर पे लुकारियो इसलिए रखा क्योंकि लुकारियो को कितना भी नर्फ कर लो रहता सेम ही है, वो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए लुकारियो को इस लिस्ट में रखने का मतलब कोई वैसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, लुकारियो को तो होना ही चाहिए था। आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोग का इस ईयर का मतलब 2023 का टॉप 10 पोकेमोन्स कौन कौन से थे। ओके, तो फाइनली हम लोग अपने टॉप 3 पे आ चुके हैं। तो टॉप 3 पे मैंने उन पोकेमोन्स को रखा है जो कि इस बार बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया है। तो चलो टॉप 3 की बात करें तो अपना 3rd नंबर पे आता है ग्रेनिंजा। अब ग्रेनिंजा को 3rd नंबर पे रखने का मेन रीज़न तो यही है कि भाई कौन नहीं यूज़ करता है ग्रेनिंजा को। इस बार उसके डबल टीम और शुरिकेन को भी बफ मिला है जिसके कारण ये और अच्छा हेल्पफुल हो चुका है। प्लस इसी के साथ बात करूँ तो हमारे गेम में एक नया हेल्ड आइटम भी आया है चार्जिंग चैम, जिसके बारे में मैंने ड्रैगापुल्ट के साथ बताया ही था। तो वो स्पेशली ऑटो अटैकर्स के लिए ही है क्योंकि वो चार्ज होकर हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प करता है और चार्जिंग चैम ग्रेनिंजा को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और जहाँ तक बात करूँ तो आप लोग को टीम में सोलो टेक डाउन करने में भी हेल्प करेगा। और मैं एक और चीज़ बता दूंगा, इस मैंने एक चार्जिंग चैम्प और रेजोनेंट गार्ड की कंप्लीट गाइड वाली वीडियो भी बना रखी। आप लोगों को अगर वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं अपने टॉप
टू की। तो टॉप टू पे आता है अपना म्यूटू एक्स। अब म्यूटू एक्स का मेन रीजन तो ये है क्योंकि उसका हाई एचपी प्लस। इस बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है म्यूटू एक्स को यूज करते हुए, इवन तो मैंने भी बहुत ज्यादा यूज किया है म्यूटू एक्स को। और जहां तक बात है हेल्थ आइटम, तो उसके हेल्थ आइटम्स में दो तो फिक्स हो गए हैं अब मेरे की, चार्जिंग चैंप और रेजोनेंट गार्ड को रखना ही है। थर्ड नंबर पे मैं चेंज करता रहता हूँ। और जहां तक बात करूँ म्यूटू एक्स के अटैक की, तो भाई बहुत तगड़ा यूनाइट मूव है उसका। फाइनली गाइज अपने हम लोग टॉप वन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग रखने वाले हैं जैसिन को। इस ईयर जैसिन को बहुत ज्यादा मतलब नर्फ मिले हैं, प्लस उसी के साथ जैसिन को बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। जैसिन को कितना भी नर्फ कर लो उतना ही स्ट्रांग रहता है। जैसिन की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसिन के साथ। और इस ईयर जैसिन को सही बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो सबने ही ऑलमोस्ट जैसिन को यूज किया होगा इस ईयर। तो ये तो अपनी फाइनल लिस्ट हो चुकी है। 10 पोकेमॉन्स में मैंने टोटल बहुत सारे पोकेमॉन्स के नाम ले लिए, 13 पोकेमॉन्स के नाम तो मैं ले ही चुका हूँ। मेरी टॉप 10 की लिस्ट ये है। आप लोग अपनी अपनी टॉप 10 की लिस्ट मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोग का फेवरेट पोकेमॉन इस बार कौन रहा है, और कौन से पोकेमॉन को आप लोग वन पे रखना चाहोगे, और कौन से ऐसे कुछ पोकेमॉन है जिनको आपने अलग से मतलब यूज किया और आप लोग को बहुत पसंद आया। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।